जी हाँ, ये है आप सभी की भारत की सबसे सस्ती स्कूटी। अगर आप लोग सोच रहे हैं 2022 में सबसे सस्ती स्कूटर लेने का, तो आपके पास टीवीएस की तरफ से एक पेप का बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। जी हाँ, जिनकी हाइट कम है, लगभग 5 फुट है या उससे भी कम है, तो अगर आपको एक अच्छी स्कूटी चाहिए जिसमें आपका पैर आराम से पहुँच पाए, आप लोग उससे ईजिली हैंडल कर पाएँ, चाहे गर्ल हो, चाहे बॉय हो, चाहे मैन हो, कोई भी हो, तो अगर आपको एक बेहतरीन स्कूटी भी सोच रहे हैं जो कि आपको टीवीएस पेप लें, आपकी ये सारी चीज़ें फुलफिल हो जाएंगी। इसकी हाइट कम है, ईजी टू मेंटेन है, ईजी टू हैंडल है। चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं इस गाड़ी की 2022 में ऑन रोड प्राइसिंग कितनी पड़ जाती है। 2022 में अगर आप इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में बात कर लेंगे, तो ये आपको लगभग इसके दो मॉडल्स मिलते हैं, जिसका लोअर वेरिएंट है वो आपको लगभग 71-72, और जिसकी टॉप एंड वेरिएंट है वो आपको लगभग 74-75 हज़ार रुपये के आसपास ऑन रोड कॉस्टिंग करती है। मिनिमम डाउन पेमेंट 15 से 18 हज़ार 20 हज़ार रुपये तक करके आप इस गाड़ी को अपने घर ले जा सकते हैं। ये कुछ डाउन पेमेंट स्कीम चलता है इस गाड़ियों पे, तो आप सभी अपने नज़दीकी शोरूम में करेक्ट डाउन पेमेंट स्कीम के लिए आप लोग जरूर कांटेक्ट करिएगा। हर जगह डाउन पेमेंट स्कीम अलग चलती है, कहीं पे गाड़ी को 5 हज़ार में भी छोड़ दिया जाता है, तो वो टोटली डिपेंड करता है आपके फाइनेंसर के ऊपर कैसा कुछ वहाँ पे स्कीम चल रहा है। स्कूटर के बारे में बात करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन आपको टीवीएस कंपनी का इंजन देखने मिल जाता है, लगभग 90 सीसी के आसपास का आपको यहाँ पे इंजन देखने मिलता है। ओवरऑल बात करेंगे तो इंजन ठीक ठाक है, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं, टीवीएस का बहुत ही भरोसेमंद इंजन देखने मिलता है। इस गाड़ी की जो माइलेज निकल के आती है, लगभग गाड़ी 55 के आसपास का माइलेज निकालती है, 50 से 55, जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। 50 से 55 का आपको इस गाड़ी से ईजिली माइलेज मिल जाता है। बाकी ओवरऑल सीट की बात करेंगे, दो लोग के लिए बहुत ही कंफर्टेबल सीट है, दो लोग के लिए कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होती है। फ्रंट में आपको अच्छी खासी स्पेस देखने मिल जाती है। फ्रंट से बात करेंगे तो आपको हैलोजन हेडलैम्प सेटअप और बीच में एक छोटा सा LED DRL देखने मिल जाता है। ड्रम ब्रेक ही आपको यहाँ देखने मिलता है, कोई भी आपको यहाँ पर डिस्क कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है। एलॉयज की आप लोग डिजाइनिंग दे सकते हैं, साइड्स में आपको रिफ्लेक्टर्स भी देखने मिल जाते हैं। ये मैट कलर है और इसके बगल जो पिंक वाला खड़ा है वो ग्लॉसी कलर है, तो मैट वाला जो है वो थोड़ा महंगा है, बाकी कोई ऐसी दिक्कत परेशानी 3 से 4 हज़ार रुपये महंगा है, तो जो आपको बेस्ट लगे 2022 में आप कंसीडर कर सकते हैं। और मैं बता दूँ आज की डेट की आपकी सबसे सस्ती स्कूटी है जो कि आपको इंडियन मार्केट में मिल जाएगी। अगर आप पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल में अगर आपको स्कूटर लेना है तो चीपेस्ट स्कूटर है जो कि आज की डेट में इंडिया मार्केट में अवेलेबल है। बाकी सीट पर देखेंगे तो ओवरऑल फॉन्टिंग यूज़ करती है कंपनी। ओवरऑल टायर साइजेस लगभग दोनों ही आपको फ्रंट में और बैक में 10-10 इंचेस के मिल जाते हैं, तो कोई भी आपको ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली, कंफर्टेबल एडवाइस गाड़ी हेल्पफुल है। मीटर कंसोल आपको फुली अनलॉक देखने को मिलता है, तो इन फ्यूचर अगर कभी कोई दिक्कत परेशानी आपके मीटर कंसोल में आती है तो कोई भी आपको दिक्कत परेशानी ज़्यादा नहीं झेलनी पड़ेगी, कम पैसे में आपका मीटर कंसोल बन जाएगा। टॉप स्पीड के बारे में बात करेंगे, गाड़ी कितनी टॉप स्पीड निकल के आती है, तो गाड़ी की जो टॉप स्पीड निकल के आती है लगभग आपको ये गाड़ी 70-80 तक का टॉप स्पीड आपको इजीली निकाल के दे, 90 तक भी आप इसे टॉप स्पीड निकाल सकते हैं अगर आप ये सिंगल राइड करेंगे। बाकी आपको इतना चलाना चाहिए, अगर आपको नॉर्मल गाड़ी 40-50 तक चलाना है तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है 2022 में, इसके लिए आप इस गाड़ी को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद करेंगे इस गाड़ी के बारे में कैसा कुछ ओवरऑल रिस्पॉन्स है, तो रिस्पॉन्स वाइज कोई दिक्कत परेशानी नहीं, इंजन लॉन्ग टर्म रिलायबल है, बहुत ही बेहतरीन आपको टीवीएस का यहाँ इंजन देखने को मिल जाता है। गाड़ी को अगर आप लेंगे सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक ठाक स्कूटी है, इजी टू मेंटेन है, इजी टू हैंडल है, और राइडिंग कहीं भी करने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो अगर आपका शॉप है, आपको दुकानदार आपको सामान यूज करना आता है, तो बिल्कुल एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। माइलेज भी आपको यहाँ अच्छा देखने को मिलेगा, कोई मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसकी सबसे कम देखने को मिल जाती है आज की डेट में जितनी भी स्कूटर्स अवेलेबल हैं। और फुली बल्ब आपको सेटअप देखने को मिलता है, कहीं भी कोई आपको LED देखने को नहीं मिलता, बस फ्रंट में एक छोटा सा आपको LED DRL देखने को मिल जाता है। बाकी तो ओवरऑल गाड़ी का रिस्पॉन्स बहुत ही बेहतरीन है। तो अगर आप में कोई भी 2022 में प्लानिंग कर रहा है एक बहुत ही बेहतरीन स्कूटी लेने का, तो बिल्कुल आप TVS की पेप प्लस को जरूर कंसीडर कर सकते हैं। 2022 में ये बहुत ही बेहतरीन आप सभी के सामने ऑप्शन बन के आती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छा लगा, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे जो आपको लाल कलर बटन दिख रहा है कैसे भी ठोक दीजिएगा, हमारे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। बाकी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो TVS की किसी भी स्कूटर से रिलेटेड या होंडा एक्टिवा किसी से रिलेटेड हो, तो आप लोग हमसे कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं। बाकी जरूर बताइएगा कि आपको ओवरऑल स्कूटी कैसी लगी, अगर आपके पास है तो कैसा कुछ ओवरऑल इस गाड़ी से आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, आप लोग हमसे कमेंट में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी इस वीडियो को भी अधिक से लोगों को शेयर करिएगा ताकि और लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।